गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनीशा फूड फ्लेवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट उड़द दाल के दही बड़े। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप उड़द दाल, दही जिसमें मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून चीनी पहले से ही घोल कर मैंने रख लिया है, अनार के दाने, खजूर गुड़ और इमली पानी देकर इसकी एक चटनी बना लिया है, और लिया है हरी मिर्च, हींग, खाने का सोडा, अजवाइन, चाट मसाला, काला नमक, अदरक कस लिया है और भुना जीरा, और साथ में लिया है नमक, चीनी, लाल मिर्च। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इंस्टेंट बड़े बनाने के लिए उड़द दाल को हम तवा में इस तरीके से फैला कर थोड़ी देर चलाएंगे ताकि इसके अंदर के जितने भी मॉइस्चर है वो चली जाए। इसे ठंडा करके दोस्तों यहाँ मैंने 1 कप यूज़ किया है उड़द दाल, तो करीब 2 कप पानी यूज़ करूँगी इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसने के लिए। दोस्तों इसे जब हम पीस लेंगे इस तरीके से बैटर तैयार होगा हमारा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके की रहेगी। और अब इसमें हम एक एक करके चीज़ें डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, खाने का सोडा और थोड़ी सी हींग। इन सभी चीज़ों को डाल के दोस्तों इसे बहुत अच्छे से फेंटना है। ये इस तरीके से फेंटने से जो बड़े हैं काफ़ी सॉफ्ट बनती है। आइए अब इसमें डाल देते हैं 1.5 चम्मच नमक, इसे फिर से मिलाएंगे हम डालकर। दोस्तों अब आइए, ओवन में तेल गरम होने के लिए रखा था मैंने, ये मीडियम आंच पर होगा और धीरे धीरे हम इस बैटर को एक एक करके डालेंगे और हमारे बड़े तैयार करेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें जब बन जाए तो निकाल कर इसे हमें पानी में डाल देना है। तो इसी तरीके से सारे बैटर को हम एक एक करके बैच में तलेंगे और इस तरीके से पानी में कुछ देर रख देंगे। सारे पानी को निचोड़ कर अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारे बड़े तैयार हो चुके हैं। ये आइए दोस्तों ये देख सकते हैं प्लेट में हमें इस तरीके से रखना है। जो हमने दही बना कर रखा था इसके ऊपर दही डाल देंगे इस तरीके से, और ये जो खजूर गुड़ और इमली का चटनी बनाया था हमने इसे अब इसके ऊपर से डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े करके चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा, अनार और लाल मिर्च डालकर इसे सर्व करेंगे। दोस्तों देखिए ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।